हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करते ही आप लोगों को मजा आ गया होगा स्टॉक की क्वालिटी देखकर। जी हां गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक काफी तगड़ी डॉग ब्रीड के बारे में जो है बॉक्सर, जो कि एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। तो गाइस, आप में से काफी लोग जानना चाहते थे कि भाई बॉक्सर कैसी डॉग ब्रीड है, क्या ये फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सही है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी डॉग ब्रीड के बारे में और आप लोगों को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि क्या आप लोगों को ये परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो बॉक्सर पपीज हैं, इनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे और भाई पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। मदर की क्वालिटी आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो और जो फादर है वो केस ए रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड बॉक्सर जो है ये काफी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है जो हमेशा काफी एक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्सर एक शॉर्ट कोट वाली डॉग ब्रीड है जिनके हेयर्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो काफी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि भाई हमें शॉर्ट कोट वाले ही डॉग ब्रीड चाहिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को काफी सारे फायदे होते हैं। जैसे कि एक तो शेडिंग के टाइम पे आप लोगों को हेयर्स की प्रॉब्लम्स नहीं आती जो कि जगह जगह पर आप लोगों को मिल जाते हैं, और दूसरा इनके कोट को मेंटेन रखना बिल्कुल ईजी होता है, इन्हें ना तो इतनी ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है और ना ही इतने ज्यादा मेंटेन रखने की। तो वहीं पर अगर इनके टेम्परामेंट के बारे में बात करें तो बॉक्सर का टेम्परामेंट काफी ब्यूटीफुल होता है, ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, ये सभी के साथ काफी कंफर्टेबली रह सकते हैं और इवन अगर आप लोग इन्हें फ्लैट्स में भी रखना चाहते हैं तो वहां पर भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉक्सर एक इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट डॉग ब्रीड है जो किसी से भी डर के ऐसे ही नहीं भागते। तो अगर आप लोग बॉक्सर को परचेज करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि यार घर में छोटे बच्चे हैं, कहीं बॉक्सर की वजह से उन्हें प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आप लोग बेफिक्र होकर इन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ इनका बिहेवियर बहुत ही प्यारा होता है। इवन आप लोग इन्हें किसी भी टाइप्स की फैमिली या ऑलरेडी आप लोगों के घर में कोई डॉग्स हैं तो उनके साथ भी काफी कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो शायद इनके बिहेवियर के बारे में जानने के बाद आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं तो भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। वैसे क्वालिटी देखिए यार, पपीज सभी के सभी काफी एक्टिव हैं और इनमें आप लोगों को भाई प्योर व्हाइट कलर भी मिल जाएंगे जो कि बॉक्सर में थोड़ा रेयर कलर है। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इनके मदर और फादर, दोनों ही फैंटास्टिक क्वालिटी के हैं। जो राइट साइड में वो है पपीज के फादर जो कि केसी रजिस्टर्ड है, और जो लेफ्ट साइड में वो है मदर जो कि प्योर व्हाइट कलर में है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो फ्रेंड्स, ओनर के पास टोटली 7 पपीज अवेलेबल है जिसमें से 3 फीमेल और 4 मेल है। और वहीं पर अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 35 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली NCR से। बाकी दोस्तों, डिलीवरी के बारे में उन्होंने कुछ भी चीज मेंशन नहीं कर रखी कि वो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर नहीं, इस बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या डायरेक्ट ओनर को विजिट करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो क्वालिटी आप लोग देख ही चुके हैं, काफी अच्छी है, पपीज काफी हैवी एंड एक्टिव है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 15,000 पीस 15,000 रुपए और फीमेल की 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि प्राइस नेगोशिएबल है, तो इट मीन आप लोगों को इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।